स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा गहरा और वर्षों पुराना सहयोग रहा। आज हमने आर्टेमिस एकॉर्ड्स में शामिल होने का निर्णय लेकर हमारे स्पेस कोऑपरेशन में एक लंबी उड़ान भरी है। मोदी जी के अमेरिका में पहुंचते ही भारत ने कई बड़े धमाके कर दिए और इनमें सबसे बड़ा धमाका तो अब हुआ है जब अमेरिका ने रूस का साथ छोड़कर भारत का हाथ पकड़ा है और अब भारत के साथ मिलकर एक बड़े मिशन को अंजाम देने वाला है और ये मिशन दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा मिशन है और अमेरिका के साथ मिलकर भारत इस मिशन के जरिए चांद पर पहुंचेगा जिसके बाद पूरी दुनिया में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। अब आपको इसी वीडियो में बताएंगे आखिर अमेरिका का ये मिशन है कौन सा और भारत ने अमेरिका के इस मिशन को क्यों ज्वाइन किया है। दरअसल ये बात तो आपको भी पता है कि पीएम मोदी जी इस समय 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर हैं और अमेरिका में पीएम मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया है। अमेरिकी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी जी का जोर शोर से स्वागत किया है और बाइडेन से मुलाकात के दौरान ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का खुद ऐलान किया है कि भारत अमेरिका के सबसे बड़े मून और मंगल मिशन आर्टेमिस एकॉर्ड्स को ज्वाइन करेगा जिसके बाद दोनों ही देश मिलकर स्पेस के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रचेंगे। अब साथ ही साथ आप लोग हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल भी देख लीजिए जिसमें है कि इंडिया ज्वाइन आर्टेमिस एकॉर्ड्स यानी कि भारत अब नासा के आर्टेमिस एकॉर्ड्स को ज्वाइन करेगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि आखिरकार ये आर्टेमिस है क्या। दरअसल आर्टेमिस नासा का एक स्पेस मिशन है और इस मिशन के जरिए नासा इंसानों को चंद्रमा और मंगल ग्रह पर पहुंचाएगा और नासा के आर्टेमिस मिशन को अब तक दुनिया के 25 से भी ज्यादा देश ज्वाइन कर चुके हैं और मोदी के अमेरिका जाने से पहले ही नासा ने ऑफिशियली भारत से रिक्वेस्ट की थी कि भारत उसके आर्टेमिस मिशन को ज्वाइन कर ले क्योंकि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी इस साल कई बड़े धमाके करने वाली है और जुलाई में ही चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने वाली है और साल के अंत तक आदित्य और गगनयान जैसे मिशन को लॉन्च करेगी और गगनयान मिशन के जरिए भारत स्पेस में अपने खुद के स्पेस स्टेशन को भी विकसित करेगा। लेकिन उससे पहले ही भारत अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका और रूस के जॉइंट स्पेस स्टेशन ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक मिशन को भेजेगा और इतिहास का ये पहला मौका होगा जब भारत और अमेरिका मिलकर स्पेस में अपने मिशन को एक साथ भेजेंगे और पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत के एस्ट्रोनॉट भी पहुंचेंगे। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि नासा ने आर्टेमिस के पहले मिशन को लॉन्च कर दिया है और नासा का ये मिशन सक्सेस भी हो चुका है क्योंकि नासा ने पहले आर्टेमिस मिशन के जरिए ओरियन स्पेस क्राफ्ट को चंद्रमा पर भेजा था जिसने 4,00,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा तय की थी। इसलिए अब इसरो चंद्रमा पर इंसानों को भेजेगा और फिर चंद्रमा के बाद इंसानों को मंगल ग्रह तक भी पहुंचाएगा क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में स्पेस के क्षेत्र में ये अब तक का सबसे बड़ा समझौता है जिसने चाइना की धज्जियां उड़ा दी हैं। भारत की तरक्की से अब चाइना भी परेशान है।